इसमें फुली बकेट लगने वाले सीट कवर तुम्हारे। तो ये हमारी होने वाली है आरडी की सेंटर लॉकिंग और इसका काम कुछ स्टार्ट हो चुका है। सेंटर लॉकिंग इस गाड़ी में फिटिंग हो रही है और अंकल अब कुछ बात बताना चाहते हैं तो बताइए आरडी की फिटिंग के बारे में। भैया आरडी की फिटिंग तो आपके सामने चली रही है। हाँ जी बाई चांस कभी आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है? और सो गाइस यहाँ पर एक स्विच इंस्टॉल हो रहा है जो बोनट का स्विच होगा। वेलकम बैक टू योर चैनल गाइज एंड यू वॉचिंग दीप्स क्रिएशन एंड आई एम दीपांशु दीप। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि जैसे कि आपने अभी देखी थी लास्ट वीडियो में हमने 2020 शिफ्ट की डिलीवरी ली थी। सो अब हम जा रहे हैं इसी गाड़ी में कुछ काम करवाने और हमारे साथ है भाई। भाई अपना नाम बताना। राज। राज। और आज है अमित भाई भी हमारे साथ। हेलो गाइज। तो अभी हम जा रहे हैं करोलबाग की साइड इस गाड़ी में कुछ काम कराने। सो देखते हैं सब कुछ कैसा रहता है और पहुंच करके बताते हैं काम कहाँ से हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो गाइज अगर आपको शिफ्ट की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए कि आपको किस तरीके की मतलब मॉडिफिकेशन या फिर क्या क्या एक्सेसरीज आपको इस मतलब वीडियो में देखनी है, आगे की वीडियोज़ में देखनी है। तो इसी तरीके से पार्ट टू पार्ट हम इसके ऊपर सारी चीज़ बना देंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और चलते हैं अपने काम की ओर। गाइज आज हमारी गाड़ी आ गई है 2020 लव कार सीट कवर एक्सेसरीज की शॉप पर जहाँ पर हमेशा हमारी गाड़ी आती है। तो यहाँ पे काम कुछ स्टार्ट हो चुका है तो अभी मैं कुछ दिखा देता हूँ कैसी मतलब कंडीशन है अभी की गाड़ी की। तो काम ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हो। पन्नी वगैरह मैं हटा देता हूँ ये तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसमें फुली बकेट लगने वाले सीट कवर तुम्हारे, तो आप ये देख सकते हो कि इस तरीके के कुछ अभी सीट कवर कंपनी से आते हैं। और इसमें फ्लोरिंग भी डलने वाली है हमारी, फ्लोरिंग का काम होने वाला है अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स है। और यहाँ से बैक सीट उतर चुकी है और फ्लोरिंग कुछ इस तरीके की है। तो करने थे भैया वो काम लव कार सीट के पास एसएससी शॉप भाई। यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है बकेट फिट के लिए। तो कुछ इस तरीके से कटिंग होती है सीट की जो लोग हर कोई करवाता नहीं है, लोगों को लगता है। और बकेट फिट बनाने के लिए कटिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिना कटिंग हुए बकेट फिट फिटिंग आ ही नहीं सकती। सो काम को होने देते हैं, अब मैं दिखाता हूँ कुछ इसके काम होने के बाद कि किस तरीके की फिटिंग आ रही है। अब कुछ सीट ऐसी लग रही है बकेट फिटिंग, आप देख सकते हो। चेकआउट करो थोड़ा रिंकल्स वगैरह, तो आपको माइनस से यहाँ पे रिंकल्स दिख रहे होंगे बट ये जब बैठेंगे ना इसके ऊपर तो पूरी फिटिंग आ जाएगी। तो आप देख सकते हो किस तरीके की लुक आ रही है सीट कवर्स की, फिटिंग देखो एक नंबर। और अगर इसको देखे कपड़ा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नापा लेदर इसमें यूज़ हुआ है और फिटिंग तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर अब देखते हैं लास्ट में जब फिटिंग हो जाती है तो कैसे लगता है ये सीट कवर कार में लगने के बाद।
गाइस अब हमारा फ्लोरिंग का काम कुछ स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे राजू भैया आ गए हैं और राजू भैया ने काम स्टार्ट कर दिया फ्लोरिंग का। तो देख सकते हो अभी कुछ ऐसी कंडीशन है गाड़ी। तो अब भैया को काम करने देते हैं। सो गाइस फ्लोरिंग का काम कुछ इस तरह से स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये काम हो रहा है और एज टू एज जैसे बिल्कुल कटिंग होकर के आया है। तो देख सकते हो आप काम हो रहा है। तो अब काम होने देते हैं, लास्ट में मैं दिखाता हूँ इस मैटिंग को होने के बाद कि किस तरीके की फिटिंग आई है मैटिंग की और अच्छी सब कुछ कैसा रहता है। तो गाइस आप देखो डिक्की में भी हमने इस तरीके की मैटिंग ये बिछवा दी है। तो इसमें भैया ने हमें इस तरीके की बना के दी है, इसमें चेप ही लगी हुई है तो इस तरीके से चिपक जाती है इस पर। और देखो अब इसके ऊपर कुछ पानी वगैरह गिर जाए या किसी तरीके का कुछ मतलब फंक्शन वगैरह में हम सामान वगैरह लाते हैं और वो गिर जाए तो उससे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बिल्कुल ठीक रहेगी ऐसी और इसके ऊपर से साफ़ हो सकता है बिल्कुल ईजिली किसी भी कपड़े से। तो आप देख सकते हो किस तरीके की इसकी लुकिंग आ रही है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं तुम आपको काम किस तरीके से हो रहा है आगे। ये हमारी होने वाली है आरडी की सेंटर लॉकिंग और इसका काम कुछ स्टार्ट हो चुका है और कुछ इस तरीके से काम स्टार्ट हुआ है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे भी एक भाई कर रहा है काम और एक भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखते हैं सब कुछ कैसे होता है, स्टार्ट करते हैं इसको। सो गाइज आरडी की सेंटर लॉकिंग इस गाड़ी में फिटिंग हो रही है और अंकल अब कुछ बात बताना चाहते हैं। तो बताइए आरडी की फिटिंग के बारे में। भैया आरडी की फिटिंग तो आपके सामने चली रही है। हाँ जी भाई, चांस कभी आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है और आपने आरडी में बोलना होता है, कंप्लेंट बोलना होता है, तो उसके लिए आपको आरडी का जो वारंटी कार्ड है ना, हाँ जी, उसके ऊपर कस्टमर केयर नंबर होता है। ओके, आप उस पर फ़ोन कीजिए, लड़का विद इन 20 आवर के अंदर आपके पास पहुँच जाएगा। अच्छा, तो आप कंपनी से आए हो यहाँ पे आरडी की फिटिंग के लिए। हाँ जी। तो होप सो आपको सब समझ आ गया होगा। इस सेंटर लॉकिंग हो चुकी है इंस्टॉल प्रॉपर एकदम और यहाँ से इसको पावर दी जा रही है और यहाँ पे एक रबड़ होती है इसमें से ये वायरिंग बाहर आई है। तो आप काम करने देते हैं और हम चलते आगे वीडियो भी देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर एक स्विच इंस्टॉल हो रहा है जो बोनट का स्विच होगा। अगर कोई बोनट ओपन करने की कोशिश करता है तो इस स्विच से अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। और जैसे बैटरीज वगैरह आजकल काफ़ी ज़्यादा चोरी होती है या फिर गाड़ी को कोई छेड़ता है आकर के किसी मतलब प्रॉपर अनप्रॉपरली कोई गाड़ी छेड़ता है तो उसमें आपको पता लग जाएगा, सेंसर ऑन हो जाएंगे सारे और इसमें अलार्म बजने लगेगा। तो स्विच कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो स्विच इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे बैटरी से पावर ली जा रही है सेंटर लॉकिंग के लिए। तो ऐसा कुछ फ्यूज़ के साथ एक वायर आती है जिससे इसको पावर दी जाएगी। और यहाँ पे कपलर टू कपलर, पूरी वायरिंग कपलर टू कपलर हुई है, किसी तरीके की वायरिंग में कोई कटिंग नहीं हुई है। तो आरडी की ये सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल हो चुकी है, अब देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रही है। सो गाइस इस तरीके से कुछ कट लग जाता है और वायरिंग हो जाती है। कट नहीं लगा भैया? अच्छा, कट कहीं भी नहीं लगा। फिर ये किस तरीके क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं, हमने सिर्फ चेक किया इसको। अच्छा, तो ये कपलर किस चीज़ की फिटिंग हुई है? ये इसी को तो कहते हैं सॉकेट। अच्छा, हाँ, स्कॉच लॉक कहते हैं इसको वैसे तो। अच्छा, हाँ, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते तो उनको सॉकेट ही बता देते हैं। ओके ओके, ये सॉकेट है। तो यहाँ से इसको पावर मिल जाएगी। हाँ, बस ये पिन एक दूसरे को पकड़ लॉक है। मुझे भी इसका आइडिया नहीं था, अभी अंकल ने बताया। तो स्कॉच लॉक इंस्टॉल हो गए हैं यहाँ पे
गाइस गाड़ी का काम हो चुका है कंप्लीट, और जैसे कि अब मैं दिखाया तो कुछ रिस्पॉन्स किस तरीके का है। जैसे इसमें आरडी की सेंट्रल लॉकिंग लगी है, तो सेंट्रल लॉकिंग का रिमोट कुछ इस तरीके का है, आप देख लो, और परफेक्टली वर्क कर रही है ये। तो अब इसको अनलॉक कर लिया है, तो गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो गाड़ी के अंदर अब आप देख सकते हो यहाँ पे हुई है फ्लोरिंग, फ्लोरिंग का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का है। देन हम गाड़ी में देखते हैं, तो बकेट पीट सीट कवर्स कुछ इस तरीके की लुक आ रही है, देख सकते हो आप। अभी कुछ पॉलिशिंग हो रही है, एंड बैक साइड से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बैक साइड का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है इन सब चीज़ों का। तो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते क्योंकि यहाँ पे बारिश आ रही है। सो जैसे ही अब हम देख सकते हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखता है डिस्प्ले। तो यहाँ पे ये मेगा सोनिक तो यहाँ पे ये मेगा सोनिक का सिस्टम लगा है। तो इसको आप देख सकते हो किस तरीके का रिस्पॉन्स है। टच का रिस्पॉन्स तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत सही रिस्पॉन्स आ रहा है। और वीडियो क्वालिटी अगर मैं दिखा दूँ आपको, तो वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसे होती है इसकी, तो आप देख सकते हो किस तरीके की वीडियो क्वालिटी है। और यहाँ से अगर हम इसको बैक कर लेते हैं, तो ये सिस्टम हमारा होने वाला है। अभी मैं सेटिंग में आपको चेक कराया था, तो इसके अंदर सिस्टम इन्फो, तो आप देख सकते हो सिस्टम 2GB 16GB होने वाला है, बट इसमें 1GB 16GB आता है, मतलब 1GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज। तो अब आप देख सकते हो कि सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। देन अगर हम देखते हैं तो यही सब कार में कुछ काम हुआ है आज, और आप देख पा रहे हो ठीक इस तरीके का काम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हुआ है और सिस्टम का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। और इसी तरीके आगे की वीडियो आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट कर दीजिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। मुझे पता होगा कि आप क्या देखना चाह रहे हो, तो मैं उसी चीज़ के ऊपर आगे एक वीडियो लेकर के आऊँगा, और आप देख सकते हो। और इसमें अभी बहुत जल्दी होने वाले हैं स्पीकर्स स्टॉल, तो देखते हैं हम कौन से वाले स्पीकर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें भी टेस्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा साउंड चाहिए। तो लेट्स सी, कुछ अच्छी उम्मीद है, तो हम देखते हैं सब कुछ कैसा रहता है। सो गाइस, अगर आप मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहोगे और आगे आपको वीडियोस देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और आगे आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो आती जाए आपके पास, तो बिना किसी देरी के इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कर दीजिए लाइक, और एक कमेंट कर दीजिए कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, आगे क्या देखना चाहते हैं आप, और फिर मैं उसी के ऊपर एक वीडियो ले आऊँगा आपके लिए। और अब इसमें स्पीकर्स इंस्टॉल होने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि हमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, और जो जिनकी ये गाड़ी है अमित कुशवाहा की, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब साउंड सिस्टम में। तो देखते हैं वो उसका क्या, कौन से स्पीकर इंस्टॉल होते हैं और क्या प्राइस रेंज आने वाली है। तो अब हम आगे चलते हैं और प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस रेंज इन सब काम के आई है आज, जो भी काम हुआ है।